बड़ी जगह लगन तो घर जाना ये बड़े लगन बजाने जा हां तुम दिल्ली का हो हल्का खराब है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके मेरे नए ब्लॉग में। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ गांव, और मैं सुबह दिल्ली से निकला था गांव के लिए। सुबह निकला था मैं 6 बजे, और अभी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 7:30 हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर पेट्रोल पंप से तेल वगैरह भरवा रहे हैं गाड़ी में, और थोड़ी देर में मतलब कि 1-1.5 घंटे में कोटद्वार भी पहुँच जाएंगे। अभी कोटद्वार पहुँच जाएंगे 1-1.5 घंटे में, और ये देख सकते हैं पेट्रोल पंप है इधर, यहाँ पे हम तेल भरवा रहे हैं। और ये रही हमारी गाड़ी सामने, ये देखिए, ये है पूरा हाईवे जो कि दिल्ली से लेके मेरठ तक, और मेरठ से लेके फिर कोटद्वार। ये देखिए आप कितना बढ़िया है, और सामने धूप भी आ चुकी है बढ़िया सी, और ठंडा भी लग रहा है हल्का हल्का, मज़ा आ रहा है। लेकिन ये देखिए, ये गाड़ी है हमारी, अभी लाइन में खड़े हो रखे हैं। तो मैं मतलब शाम तक घर पहुँच जाऊँगा 4:30 बजे तक, तो जो भी रास्ते का व्यू रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल, और उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे हमारे ब्लॉग, ऐसे चलते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो दिखाता रहूँगा। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम सारे लोग गाँव जा रहे हैं, ये देख रहे हो ये, और ये कुछ रिलेटिव्स वगैरह हैं हमारे। बड़ी जी कल लगन तो घर जाना ये बड़े लगन बजाने जा हां तो तुम दिल्ली का हो हल्का खराब है। हां तुम दिल्ली का हो? हम दिल्ली आगे से 2 महीने होगी। 2 महीने होगी अच्छा, तब बड़े मतलब वीडियो अच्छा अच्छा। और कल लगन तो घर जाना लगन दे अपन घर जाना बड़े लगन का अच्छा अच्छा। चलो बड़े गांव को बोल तो मरू सिमल गांव अच्छा सिमल गांव हर पट्टी गुराड़ से हूं अच्छा। हां ओ अरे केशव महादेव अच्छा अच्छा अमर देव का अच्छा। चलो तब है ना ओके। हेलो, तो अभी हम ढाबे पे रुके हुए हैं, तो अभी हम चाय वगैरह पियेंगे, यहाँ पे नाश्ता वगैरह करेंगे जो भी हमें करना होगा, मतलब आलू प्याज के परांठे में खा रहा हूँ यहाँ पे। और अभी ये मीरापुर ढाबा है, तो अभी आपको बताते हैं अभी इस टाइप से यहाँ पे खाना वाना इन्होंने बना रखा होगा ढाबे में। हेलो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ कोटद्वार की लोकेशन में, और यहाँ देख रहे हो कोटद्वार का मार्केट है, और यहाँ पे मुझे अपने दोस्त लोग मिले हैं दो, ये देख सकते हैं दीदी और कौन भाई। हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? कौन भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। ये देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे मिले थे, और ये काम कर रहे हैं स्कूटी वगैरह का, स्कूटी की सर्विस के लिए आए थे दोनों भाई। ये देखिए हिमांचली टोपी कितने की भाई? 250। 250 की है? हाँ जी। अच्छा ठीक है, और ये बाकी और? ये 300 में भी है, और इसमें हिमांचली में 100 रुपये की भी है। अच्छा अच्छा, और क्या क्या है आपके पास सामान? हमारे पास कैप है बढ़िया ब्रांडेड कैप 150 रुपये में है। अच्छा, एक ये थोड़ी इससे हल्की क्वालिटी है 100 रुपये में। अच्छा जी, तो ये 250 रुपये की कह रहे हो? जी जी। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे हिमांचली टोपी बेच रहा है भाई, तो वो टोपी मैं भी लूँगा, तो अभी मैं आपको बताता हूँ उनकी शॉप है। ये देखिए मेरी शॉप, और ये है भाई धमाका सेल, धमाका सेल। हाँ तो गाइस गुड इवनिंग, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आज अपने घर जा रहा हूँ, तो जैसे कि मैं सुबह दिल्ली से निकला था, तो अभी मैं इस टाइम घर पहुँच चुका हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, और मैं घर में भी पहुँच चुका हूँ। तो गाइस जो भी मतलब रास्ते का व्यू था वो तो मैंने खैर ज़्यादा कैप्चर किया नहीं, क्योंकि बैटरी प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी, बैटरी वगैरह। तो ये देख सकते हैं आप, ये शिवम है। हेलो हेलो शिवम, क्या हाल है? बढ़िया। कब आया? कब आ रही? और ये पापा हैं, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे पाइप वगैरह पे। ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल शाम के भी लोग 5:30 बज रहे हैं, और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है कि क्या बताऊँ आपको। और आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे बच्चे कुछ क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं यहाँ पे सामने। और ये देखिए, ये हमारे पड़ोसियों का घर है जो कि यहाँ से पलायन हो चुके हैं पूरी तरीके से, वो रहते हैं कोटद्वार में। कौन भाई का घर है? क्योंकि हमें आज कोटद्वार में भी मिले थे सुबह, उन्हीं का घर है। ये देखिए, ये रहा उनका घर, और ये हमारी सामने यहाँ पर हमारी डिग्गी है जहाँ से कि हम पानी वगैरह भरने के लिए जाते हैं।
और गाइस इस टाइम देखिए बिल्कुल पतझड़ का मौसम है, बिल्कुल सारे पेड़ एकदम खाली 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 हो रखे हैं, बिल्कुल ही एकदम बढ़िया सा मज़ा आ रहा है। हेलो लक्ष्मण, और लक्ष्मण है हमारा फ्रेंड। ये देखिए गाइस कितना बढ़िया मज़ा आ रहा है एकदम यहाँ पे। तो ये शाम का नाश्ता हमारे लिए तैयार है, ये देखिए समोसे और चाय, ये देखिए और एक गर्मा गर्म चाय। धन्यवाद। और ये दोनों रंगा बिल्ला। अरे यार तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी पाइप में, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसमें, इसको भी साफ करना है अभी थोड़ा सा। ये देखिए इसको धोने के लिए जा रहे हैं अभी नीचे डिग्गी में। ले आओ मग। तो अभी उस पाइप को हम यहाँ पे साफ करेंगे जो कि हमें निकाला था ऊपर से, और यहाँ पापा अभी साफ कर रहे हैं। शिवम भी है, संदीप है, जिया जी हैं, सब हैं यहाँ पे। ये देखिए लगे हुए हैं सारे अपने अपने काम पे। ये देखिए मेहनती लड़के काम कर रहे हैं। अरे बहुत गर्द फट गया है, पूरी बिल्डिंग लाना पैंट कर। तो हमारा पाइप ब्लॉक हो गया था, तो उसी को अभी हम सही कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी फंस गई थी। तो अभी इसको साफ़ कर रहे हैं यहाँ पे डिग्गी में लाके। और ये हमारी गांव की रोड, आजकल इसका काम भी प्रगति पे चल रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और ये संदीप सिंह, संदीप हेलो करो संदीप। अरे देखिए बहुत बढ़िया रोड बन रही है अभी। ये एक नाम क्या जा क्रोनो, अच्छा ब्रोनो। तो ये देखिए ब्रोनो भी आ चुका है घूम के। ले ब्रोनो ले। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दिल्ली से घर जा रहा हूँ, तो मैं अपना सामान पूरा यहाँ पे लेके आ गया हूँ। इतना भी मेरा कंप्यूटर का सामान है पूरा, तो मैं इसको लेके आ रहा हूँ। तो मैं अभी इसकी ओपनिंग करने के बाद इसको सेटअप करूँगा, और उसके बाद मिलता हूँ आपको, जल्दी इसको सेटअप कर लेगा। तो दोस्तों फाइनली मेरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए सब कुछ सेट हो चुका है। ये देखिए तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहीं पे काम करूँगा डेली, जो भी ऑफिस का वर्क होगा वो सब यहीं पे होगा। और दोस्तों तो फ्रेंड्स जैसे कि आज आपने देखा होगा कि मैं थक चुका हूँ काफ़ी, सुबह से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, थक चुका हूँ काफ़ी। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अभी जो वीडियो बनाई है उसको मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उसकी अभी एडिटिंग से लेके। आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड ज़रूर कमेंट करें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आपको जल्दी से मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।